पंडित जी, हमें अपने बेटे और बहू की शादी के बारे में बात करनी थी। जल्दी से कोई अच्छा मुहूर्त निकाल दीजिए, हमें उनकी शादी करनी। 3 दिन बाद ही एक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। 3 दिन बाद? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बनवाया। अभी दिखा। अमृता। हाँ जी। मैं जरा पंडित जी को देख रहा हूँ। अरे मैं यहाँ हूँ भाई, रखो। यहाँ तो कोई भी नहीं। पंडित जी, हमें अपने बेटे और बहू के लिए शादी का मुहूर्त निकालना है, आप देख के बताइए। आने वाले 1 माह तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं, और अगर ये शादी हुई तो बहुत ही बड़ा अपशगुन होगा, इसीलिए 1 माह के बाद ही होगा जो कुछ होगा। आने वाले 1 माह तक शादी का कोई मुहूर्त नहीं, और अगर ये शादी हुई तो बहुत ही बड़ा अपशगुन होगा। ठीक हो? कैसे ठीक हो सकते हैं सर, समझ नहीं आता। किस्मत में तुम्हारा और कितना इंतजार करना लिखा है। कभी कभी तो डर लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं कि हमारी किस्मत हमें एक होने ही नहीं देना चाहती। आशा प्लीज, इतना मत सोचो। तुम्हारे लिए तो किस्मत से लड़के आया हूं मैं, और हमारा साथ राम जी ने लिखा है। वैसे एक बात बताओ, इतने साल मेरा इंतजार किया, तो मुझसे प्यार तो है ना प्यार? किसने कहा तुमसे प्यार है? वो तो हमारी शादी हो चुकी थी, काकी माँ ने कहा था, इसलिए इंतजार कर रहे थे। और ये इंतजार खत्म होगा आशी, देखना अब हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। राम जी करे कि ऐसे ही हो, हमारे साथ को किसी की नजर न लगे। कौन भाई, मुझे यहाँ बात के क्यों रखा है? आखिर तुम चाहते क्या हो? सिड की बर्बादी। किसी ने किया न होगा पहले इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना, चाहेंगे तुम्हें इतना, चाहेंगे। ले जाओ इसे यहां से, और याद रहे कि वापस आ ना पाए। ये चाचा तो गए, अब अगर आप नहीं चाहते कि आपका परिवार भी जाए तो हमारे पैसे हम तक पहुंचा दीजिए, वो भी बिना किसी रुकावट के, समझे? लो, हाँ सुनो, मुझे कल तक 5 लाख रुपए चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है। सुनो आशी, सिट हमें जाने दो। तुमने जो किया है ना, उसकी सजा हम तुम्हें देख के रहेंगे।
माय गॉड, ये फोटो में आप, ये कैसे? अभी तो यहाँ पे सिर्फ और आशी थे और अब अभी आप? हो क्या रहा है इस घर में? नाउ आई एम श्योर कोई ना कोई है इस घर में अनजान खिलाड़ी जो ये सारे खेल खेल रहा है। पर मुझे पता है कि मुझे कौन सा खेल खेलना है। हाथ जल जाएगा। लेकिन आप लगी कैसे? इस दिए से आग लगी है। आशी तुम पूजा कर रही थी ना तो कहीं दिया तुमने? तो नहीं नहीं हमने दिया वहां पे रखा था। आखिर तुम चाहती क्या हो? क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो? किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे? कभी हमने सही में कुछ नहीं किया। चुप करो, एक शब्द नहीं। हम जानते हैं ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। माँ, फिर से वही बात। माँ, आशी ऐसा नहीं कर सकती। फिर से इसकी साइड ले रहा है? माँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, लेकिन आप खुद सोचिए ना, आशी ये सब क्यों करेगी? हम जानते हैं आशी, तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ताकि सबकी नजरों में हम गलत बन जाए, सबको लगे तुम भोली भाली सीधी सादी और हम बुरे। हमने इतने चाव से, इतने लगाव से ये तस्वीर बनवाई थी। माँ कोई बात नहीं, हम इसकी एक और कॉपी बनवा लेंगे ना। अमृता कोई बात नहीं, एक तस्वीर ही है ना, दोबारा बन जाएगी, क्या हो उसमें? जानते हैं कुंदन, ये सब तुम्हारा किया धरा है। हमारी बेटे के साथ एक अच्छी सी फोटो खींच दे रहा, हमें फ्रेम करवानी है। आशी, आशी, इसके बिना हमारी फैमिली अधूरी है। हुँ? हमारा बेटा इतने सालों बाद घर आया है और अब ये? क्या? नहीं यार आशी ऐसा कर ही नहीं सकती है। नहीं 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 नहीं, आशी वो लड़की ही नहीं है जो जान पूछ करके अपनी फैमिली फोटो खराब करेगी। आफ्टर ऑल अमृता आंटी ने कितने प्यार से वो फैमिली फोटो बनवाई थी। नहीं नहीं, क्या कहा? बदला किससे? अमृता आंटी से? लेकिन अमृता आंटी ने क्या किया है? जानती हूँ अमृता आंटी थोड़ी गुस्से वाली है, लेकिन उनका दिल बहुत साफ है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। अमृता आंटी आप वो? हाँ अमृता आंटी, मैं बस वो फोन पे हम ये ओह नो, कहीं से इनको पता तो नहीं चल गया कि मैं किसी से बात नहीं कर रही थी, बस अमृता आंटी को भड़का रही थी, कहीं सेट मेरा खेल ना खत्म कर दे। अब सेट मैं वो बस। तुम किसके साथ बात कर रही थी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि अपनी फैमिली की बातें किसी के साथ डिस्कस करना ये गलत है।
नहीं नहीं सिड, मैं तो बस वो तुम्हारी ये फ्रेंड जो आशी की इतनी बुराई कर रही थी, ये जानती नहीं है कि आशी है कौन। अगर जानती होती ना तो ये नहीं बोलती, और उसे पता होता कि आशी कितनी इनोसेंट है। असल में मैंने आशी जैसी लड़की देखी ही नहीं। और बदला, वो जानती तक नहीं है कि बदला है क्या, और किसी के साथ कुछ गलत करना तो दूर, वो सोच तक नहीं सकती। आशी का दिल गंगा की तरह पवित्र है, जिसमें सबके लिए प्यार और केयर है बस। लेकिन ये बात तुम्हारी वो फ्रेंड नहीं समझ सकती, क्योंकि असल में उसके मन में खोट है। आशी आशी आशी, थक गई हूं मैं इस आशी से। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस आशी नाम के कांटे को अपनी जिंदगी से हटाना ही होगा। इस आशी का तो मैं ऐसा ब्रांड बचाऊंगी ना, पूरी दुनिया देखेगी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये अमित सर ने मंगवाया था, उन्हें दे रहे हैं। वो अंदर कुछ काम कर रहे हैं, आप हमें दीजिए, हम दे देंगे। लेकिन उन्हें बोला था कि उन्हीं को देना है। हम कह रहे हैं ना आपसे, आप हमें दीजिए, हम दे देंगे। लाओ ये मुझे दे दो। और तुम जाओ। क्या है इस लिफाफे में? वो एक्चुअली क्या है कि अकाउंट्स के कुछ पेपर हैं, क्लोजिंग चल रही है ना, मार्च आया है, तो इसलिए कुछ पेपर मंगवाए थे मैंने। अरे हाँ, मुझे वो दुकान के लिए लेट हो रहा है, तुम नाश्ता बना दो मेरा। अभी करते हैं। थैंक यू। बेटे से बहुत प्यार करते हो ना, तभी आपकी जरा सी दुखतीनस पे हाथ क्या रखा? पैसे का मसीहा हमारे सामने आ खड़ा। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना, अरे अब तो हमारी जान बख्श दो, जाओ यहाँ से। क्या अंकल, दिमाग खराब तो ही हो क्या आपका? कोई सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़ता है क्या? पर यहाँ तो मुर्गी नहीं, मुर्गा अंडा दे रहा है। क्या बात है। रश्मि, इन्हें साड़ी पसंद आई, इसकी बिलिंग कर दूँ। आप यहाँ नहीं थी ना, तो स्टोर की सेल्स भी नीचे आ गई। कोई बात नहीं, अब हम आगे ना, सब पहले जैसा हो जाएगा। इनका बिलिंग करो हमारा। घर हो या स्टोर, सबकी जुबान पे बस आशी का शोर। लेकिन आज इस शोर को मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, आशी का चैप्टर क्लोज कर दूंगी। रश्मि, हमें रजिस्टर देना, हम जरा स्टोर में जाके स्टॉक चेक करके आते हैं। बस हाँ आशी, कितना काम करोगी, एक कॉफी ब्रेक तो बनता है, चलो कम ऑन। वैसे अच्छा हुआ तुम कॉफी ले लो, हमें इसकी एक्चुअली बहुत जरूरत थी। वेलकम। थैंक यू। थैंक यू गीत। जाओ आशी जाओ, बस इतना सुन लो, अब तुम करोगी अपना काम और मैं तुम्हारा काम तमाम। क्या मैं क्या जल्दी आओ और इस पोच को यहां से लेके जाओ।
आप लोगों का लंच टाइम चल रहा है क्या? नहीं नहीं बस हो गया। आपको क्या चाहिए? मुझे शादी के लिए कपड़े देखने थे। आप बस उस काउंटर पे आइए, हम आते हैं। सॉरी सर देर होने के लिए। कोई बात नहीं, बताइए आपको क्या चाहिए। मुझे दुल्हन के लिए अच्छे कपड़े दिखाइए। मैं आपको लेटेस्ट कलेक्शन दिखाता हूँ, आप आइए मेरे साथ। ये बैग यहाँ किसने रखा है? और इसमें है क्या? ओह नो, सिट को भी अभी आना था। अगर इसने सूटकेस खोल के देख लिया तो मेरा राज खुल जाएगा। ये चिड़िया तो आजाद हो जाएगी, मैं फंस जाऊंगी। ये मेरा सूटकेस है। तो इसको यहाँ क्यों रखा है आपने? और ये इतना भारी सूटकेस लेके आप स्टोर में क्यों? सर ये शादी के कपड़े लेने आए थे और ये शोरूम में सूटकेस के साथ ही आए थे, मैंने देखा था सर। ठीक है। टाइम हो गया, अब तक मैसेज क्यों नहीं भेजा उसने? अब मेरे और सिट के बीच में कोई नहीं आ सकता। अलविदाश। क्या खेल खेलाएगी, सब ढूंढते रह जाएंगे मगर आशी के चिथड़े तक किसी को नजर नहीं आने वाले। गीत, वो आशी। क्या हुआ आशी को? आशी यहाँ कैसे? कैसे हुआ ये सब? आशी तुम यहाँ? मैं कब से तुम्हारा शोरूम पे वेट कर रही थी, तुम्हारा बैग और फोन भी वहीं रह गया था। कहाँ चली गई थी तुम्हारा? आई होप आशी ने अब तक मेरा नाम ना लिया। बोलो ना आशी, किसने किया ये सब? किसका नाम ले गीत? हमें हमें कुछ याद ही नहीं है। याद है तो बस इतने कि हम शोरूम के स्टोर में गए, वहां पे चक्कर आ गया, हम बेहोश हो गए थे। जब हम जागे तो यहाँ घर के बाहर। आशी क्या हुआ?
तुम ठीक हो ना? समझ नहीं आ रहा ये आशी यहाँ कैसे? मैंने खुद आशी को सूटकेस में बंद किया था और वो सूटकेस आग में जला भी तो दिया था, फिर ये बच कैसे गई? आप प्रेग्नेंट हैं? हम जिससे प्यार करते थे उसने हमें धोखा दे दिया। बाबा ये डिम्पी है, इन्होंने ही हमें एक्सीडेंट से बचाया। जब तक इसके रहने का इंतजाम नहीं हो जाता है तब तक ये हमारे साथ रहे। ये मेरे प्यार का पहला तोहफा तुम्हारे लिए, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। आशी तुम यहाँ तो ये